नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दोपहर एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर में तैनात BSF जवान रविशंकर साव की करंट लगने से इलाज के दौरान ही मौत हो गई। खबर पहुंचते ही कोयलांचल गमगीन हो गया। पिता रामदेव साव ने घटना की उचित जाँच की मांग की है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी के रहने वाले शिक्षक रामदेव साव को रविवार की दोपहर फोन पर बेटे के करंट लगने की सूचना BSF 200 बटालियन के अफसरों ने दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना अफसर ने देते हुए कहा कि रविशंकर को करंट लग गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता ने फोन करने वाले उस अफसर से कई सवाल भी पूछे। मीडिया से बात करते हुए रामदेव साव ने कहा कि उनके बेटे की पोस्टिंग 2012 में हुई थी। इससे पूर्व वह जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी अपनी ड्यूटी दे चुके हैं। अभी वर्तमान में वह बांग्लादेश बॉर्डर में तैनात था। करंट कैसे लगी, किसी ने जानबूझकर लाइन दे दिया या क्या हुआ, इस पूरे मामले की उचित जांच होनी चाहिए। जवान रविशंकर की 2011 में शादी हुई थी और 6 साल की एक बेटी और 8 साल का एक बेटा भी है। पत्नी लगातार दौड़ दौड़ कर उस रास्ते को निहार रही है जिस रास्ते से वह ड्यूटी के बाद आया करते थे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और सोमवार की देर शाम तक पार्थिव शरीर धनबाद के गोविंदपुर उनके पैतृक आवास में पहुंचने की संभावना है। पिता ने इस पूरे मामले की उचित जाँच की मांग की है। ये गोविंदपुर के स्थान थे, BSF का स्थान था, जो आज गुजर गए। क्या पूछता है, छोटे छोटे दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, एक 6 साल के एक 8 साल के बच्चे हैं। कब गए थे यहाँ से वो? कब गए थे यहाँ से? 20 दिन पहले गए सर। वो लाइन हुआ था ना, सर बारिश हो रही थी ना, उस लाइन में वो प्लेन से नहीं जाके वो ट्रेन से गए। उस पर कितनी मुसीबत से वो डिप्टी ज्वाइन किए। ठीक है सर। बाले कब हुए थे? 2012 में हुआ है सर।